नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महान अभिनेता और सिने प्रेमियों के चहेते एक्टर ऋषि कपूर ने आज सुबह दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। करीब 67 के ऋषि हमेशा अपने शानदार अभिनय के लिए याद किए जाते रहेंगे, लेकिन वो फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में रहा करते थे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋषि कपूर के बयानों के जरिए सोशल मीडिया पर आग लग जाया करती थी। अभिनेता ऋषि कपूर हर एक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते थे और इसकी वजह से कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद वह किसी से डरे नहीं और लगातार अपनी बात सबके सामने रखते रहे। तो चलिए आज एक नजर डालते हैं ऋषि के 5 ऐसे बयानों पर जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर खूब हल्ला हुआ। ऋषि कपूर एक बार एक इंटरव्यू के दौरान यहां तक कह गए थे कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्टिंग नहीं आती है। मैं कई ऐसे एक्टर्स देखता हूं जिन्हें पता ही नहीं कि एक्टिंग क्या होती है। उन्होंने आगे कहा था कि एक्टिंग के लिए भीख मांगना और सब तरह की सिफारिशों के जरिए फिल्मों में रोल पाने का तरीका गलत है। ऋषि कपूर क्रिकेट पर किए गए एक ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया पर यूजर्स के कड़े विरोध का शिकार हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर अपनी एक इच्छा जाहिर की थी। महिला विश्व कप के दौरान उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सौरव गांगुली के उस एक्ट के दोबारा घटने का इंतजार कर रहा हूँ जो 2002 में भारत ने इंग्लैंड को हराने के बाद लॉर्डर्स की बालकनी में किया था। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ था। वहीं ऋषि कपूर बीफ खाने को लेकर भी काफी विरोध झेल चुके हैं। दरअसल उन्होंने एक कार्यक्रम में यह बयान दिया था कि हाँ, उन्होंने बीफ खाया है। उनके इस बयान पर बजरंग दल के सदस्यों ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे और उनका पुतला फूका था। यही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें काले झंडे भी दिखाए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि वो उनके बयान से आहत हुए हैं और इसके लिए वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। एक बार ऋषि कपूर कश्मीर मुद्दे पर अपनी राय रखकर भी मुसीबत झेल चुके हैं। दरअसल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर ट्वीट कर कहा था कि फारूक अब्दुल्ला जी सलाम, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जम्मू एवं कश्मीर हमारा है और POK उनका। सिर्फ इसी तरीके से हम समस्या को हल कर सकते हैं। POK पाकिस्तान का है और यह नहीं बदलने वाला, चाहे भारत पाक एक दूसरे से कितनी भी लड़ाई लड़ लें। उनके इस ट्वीट पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नगर थाना में FIR दर्ज की गई। इस FIR में उन पर नफरत, धार्मिक विद्वेष तथा राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का मामला दर्ज हुआ। वहीं मीडिया को लेकर भी ऋषि कपूर विवादित बयान दे चुके हैं। अपने स्वर्गीय पिता राज कपूर पर लिखी एक किताब की लॉन्चिंग इवेंट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए थे। इस इवेंट के दौरान ऋषि कपूर ने पत्रकारों के साथ बेहद खराब व्यवहार किया। बताया जाता है कि इवेंट के दौरान ऋषि कपूर वॉशरूम गए थे और बाहर कुछ पत्रकार खड़े थे। उन्हें देखने के बाद पहले तो ऋषि कपूर ने गुस्से में पूछा कि आप लोग कौन हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, मुफ्त की दारू। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सभी पत्रकारों को जाने को कह दिया। बाद में किसी तरह वहां मौजूद किताब के पब्लिशर ने पूरा मामला शांत करवाया और पत्रकारों को इवेंट फिर से कवर करने के लिए मनाया था। इस तरह से कई बार ऋषि अपने बयानों और बातों को लेकर चर्चाओं में बने रहते थे, लेकिन उनके करीबी लोगों ने हमेशा यही कहा कि ऋषि जी की आदत है कि वो जो दिल में होता है उसे बोल देते हैं। खैर, अब ये सितारा हमारे लिए हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। धन्यवाद।